मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों के लिए ही बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। पिछले 5 सालों में प्रदेश की सियासत 360 डिग्री पर घूम चुकी है। सरकार बनाने के लिए दोनों राजनीतिक दलों की नजर उन विधानसभा सीटों पर है जिनको किला या अभैध गढ़ कहा जाता है। ये बात दूसरी है कि पिछले 5 सालों में वोटर्स के बदले मिजाज से अब इन अभैध किलों के किलेदार भी घबराने लगे हैं, यानी यूं कहें कि ये गढ़ अब सुरक्षित नहीं रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। पिछले 5 साल की चुनावी राजनीति तो कुछ यही कह रही है। आइए आपको बताते हैं कैसे बदल रही है सूबे की सियासत और क्यों हिल रहे हैं किले। द सूत्र के विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की इस खास रिपोर्ट की पहली कड़ी में देखिए कांग्रेस के किलों के क्या हाल है। अगर हम बहुत पीछे ना जाएं और पिछले 5 साल का चुनावी इतिहास खंगालें तो हमें जनता का बदलता मिजाज साफ नजर आता है। साल 2018 में चुरहट से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे और कांग्रेस के बड़े चेहरे अजय सिंह राहुल बीजेपी से हार गए, जबकि चुरहट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। गुना लोकसभा से साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पराजय भी इसी बात का बड़ा उदाहरण। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 57 साल के इतिहास को बदल दिया। ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हो गया और यहां तक कि बीजेपी के गढ़ मुरैना नगर निगम में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ये सियासी हालात बताते हैं कि जनता का मूड अब परंपरागत से हटकर प्रगतिशील हो गया है। जनता का यही मिजाज है जो किलेदारों को डरा रहा है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा और अभेद किला है लहार। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बीते 7 बार यानी 35 साल से विधायक। अब तक बीजेपी ने यहाँ जीत की कई बार कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ लगी सिर्फ निराशा। यही कारण है कि सवाल बीजेपी की रणनीति पर भी उठे। इस बार फिर बीजेपी यहाँ सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। लोगों के बदलते मिजाज को डॉक्टर गोविंद सिंह भी भली भांति भांपने लगे हैं। दसूत्र से बातचीत में उन्होंने माना कि जनता कुछ भी कर सकती है। मुद्दा प्रजातंत्र है, वोट डालती रहे फिर डालेंगी। अब उनकी मर्जी है, अगर पसंद करती हैं तो हमें वोट देंगी, नहीं करते हमारी कोई कमजोरी रही होगी तो हम बदल भी सकते हैं। ऐसा कुछ है कि अवैध है वो है गढ़, ऐसा कोई अवैध गढ़ नहीं है। इसी तरह कांग्रेस का एक और अभेद गढ़ है पिछौर। यहाँ पर पिछले 30 साल से कांग्रेस के पी सिंह कक्काजू विधायक। क्या यहाँ भी अब हवा बदलने लगी? इस सवाल का जवाब हमने केपी सिंह से ही जानने की कोशिश की। उन्होंने बेबाकी से अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को एक्सेप्ट किया। वो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वाह करता हूँ, बाकी चुनना न चुनना तो मतदाता के हाथ है। अभी तक मतदाता प्रसन्न है तो आ रहे हैं, जिस दिन नाराज हो जाएगा उस दिन नमस्कार हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी तो हमारे खिलाफ, जब एज एमएलए मेरे खिलाफ हो रही है तो सरकार के खिलाफ तो स्वाभाविक है। अब बात अगर राघवगढ़ की करें तो राघवगढ़ विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की रियासत का हिस्सा रही। अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह यहां से दूसरी बार विधायक। बीजेपी की योजना में राघवगढ़ का किला भी शामिल। बीजेपी की इस प्लानिंग ने जयवर्धन सिंह को अलर्ट कर दिया है। हमने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है कि जो दूसरी की लकीर है उसको छोटा मत करो और जो अपनी लकीर है उसको और आगे खींचो। तो हम तो हमेशा अपने काम पर ध्यान देते हैं। अब भाजपा क्या काम कर रही है, उनका उनकी क्या रणनीति है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। उनका स्वागत है, वो उनका अधिकार है, उनको जो भी प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं। इसी तरह खिलचीपुर विधानसभा में पिछले 4 चुनावों में 1 बार बीजेपी जीती है और 3 बार कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की। प्रियव्रत सिंह अब अपना गढ़ बचाने के लिए यहाँ की जनता को ये बताने में जुटे हैं कि अगली बार कांग्रेस की ही सरकार बने, यानी जनता यहाँ से विधायक नहीं बल्कि मंत्री चुनने वाली है। और यही विश्वास मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और जो रुके हुए कार्य थे या जो कार्य जो उनकी कल्पना है कि एक विकसित खिलचीपुर की, एक खुशहाल खिलचीपुर की जो हमारी कल्पना है, उनकी भी कल्पना है और हमारी भी कल्पना है एक खुशहाल खिलचीपुर बनाने की, वो खुशहाल खिलचीपुर हम का निर्माण हम 2023 में कर पाएंगे।
कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि अब जनता किसी की जागीर या बंधुआ नहीं रही। राजा महाराजाओं का दौर बीत चुका है, अब जो जनता का मानस समझेगा उसी का सिक्का राजनीति में चलेगा। इसमें कोई किसी का बंधुआ नहीं है, कोई किसी की परंपरा को लीक पीटने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं साहब हम तो जो सिंधिया जी कहेंगे वही करेंगे। नहीं, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे लड़के हैं, सब जानते हैं, उन्होंने सब पढ़ा हुआ है, तो ये नहीं। हाँ, जो अच्छा व्यवहार करेगा नेता हम उसके साथ चलेंगे। यानी कांग्रेस नेताओं की इस बदलती सोच से साफ जाहिर है कि नेताओं को अब जनता का डर सताने लगा है। बीजेपी के अभेद किलों के क्या हाल है? बीजेपी के किलेदारों की बात करें तो यहाँ भी हालात कांग्रेस से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। किलेदार यहाँ भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की नेता इमरती देवी डबरा से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं और वो भी भारी मतों से। लेकिन साल 2018 में बड़े अंतर से जीतने वाली इमरती देवी 2020 में आखिर क्यों हार गई? अपने गढ़ में पराजय का ये भी एक बड़ा उदाहरण। इमरती साफ कहती है कि उन्होंने जनता के बीच जाना छोड़ दिया था तो जनता ने उन्हें चुना। 2004 से चुनाव लड़ रही है, अभी तक जीतती आई, और बाकी बाद में चुनाव तो होता ही है, किस्मत है, जो अच्छा काम करता है उसको जनता चुनती है। मैंने भी खूब अच्छे काम करे, लेकर पार्टी बदली तब थोड़ा धोखा हो गया। बीजेपी के गढ़ बने दतिया पर कांग्रेस की नजर है। पिछले 3 बार से यहां से वर्तमान में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीत हासिल, लेकिन पिछले चुनाव में वो बमुश्किल जीत हासिल कर पाए। इस बार स्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण है। दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का चुनावी प्रबंधन संभाल रहे उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा चुनौती को देखते हुए कमियों पर पैबंद लगाने लगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर एकजुट होके, जैसा कि हर बार लगता है, लगा रहेगा तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है जो कमी रह गई हो तो लगातार प्रयास करके उस कमी को पूरा करेंगे। और इस बार लगातार मैं कहता हूं फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। सागर जिले की रहली और खुरई भी इसी तरह की सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीतती आई। रहली से तो 4 दशक यानी 8 बार से गोपाल भार्गव ही विधायक, वो इस समय विधानसभा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले नेता। भोपाल की नरेला सीट से मंत्री विश्वास सारंग अपनी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती उनको इस बार मिलने वाली है, इसका अंदाजा उनको भी लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश स्तर पर काम करता हो या बूथ स्तर पर काम करता हो, हम तो केवल और केवल जनता के कल्याण की बात करते हैं। ये कांग्रेस में होता होगा कि गढ़ इसका है, उसका गढ़, इसका भेदो, उसका भेदो, हम ना भेदने की बात करते हैं, हम सृजन की बात करते हैं। ये देखिए, अब कांग्रेस का ना कोई किला है ना कोई किलेदार है, सब मामला खत्म हो गया। और दिक्कत यही है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप को किलेदार माना, हम तो अपने आप को सेवादार मानते हैं। 16.5 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता भी अपनी सीट की मरम्मत में जुट गए। अब उनको ये लगने लगा है कि ये पब्लिक है और चुनाव में ये किसी को भी अर्श से फर्श पर पहुंचा सकते हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।